3 जून वर्ष 2018 में भदोही आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 बेड युक्त महिला अस्पताल का लोकार्पण किया था, पर 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल का लाभ जनता को आज तक नहीं मिला, जबकि अस्पताल संचालन के लिए 2019 में हेरिटेज ग्रुप ने रुचि दिखाई थी। विभागीय अधिकारियों व हेरिटेज प्रबंधन के बीच समझौता भी हुआ। इसके 32 बिंदुओं पर विभाग का ध्यान आकर्षित कराते हुए उन्हें दुरुस्त कराने की शर्त रखी थी। विभागीय पहल के बावजूद कार्यदायी संस्था निर्माण निगम द्वारा कमियों को दुरुस्त करने में काफी विलंब किया गया। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल परिसर में 25 करोड़ की लागत से 100 शया के महिला अस्पताल निर्माण को 2014 में निवर्तमान सपा सरकार ने मंजूरी दी थी। अस्पताल निर्माण में काफी विलंब हुआ। बहरहाल जैसे तैसे कार्य संपन्न होने के बाद 27 दिसंबर 2018 को कार्यदायी संस्था ने अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर संचालन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, लेकिन आज तक स्वास्थ्य विभाग उसका संचालन नहीं कर सका। शासन की मंशा के अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा नव निर्मित अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी रूम, चाइल्ड केयर रूम, अल्ट्रासाउंड, आईसीयू, एनआईसीयू, ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस कक्ष बनाया गया है।